हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभा किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रवा से यानी सूजी से चकली बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। सूजी या रवा को ज़्यादातर हम शीरा या उपमा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आज हम इस सूजी से इंस्टेंटली एक टेस्टी चकली भी बनाकर रेडी करेंगे। चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी यहाँ पर ये पानी अभी गर्म हो चुकी है, तो अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर को डालेंगे। आप बटर की जगह पर यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये सॉल्टेड बटर को यूज़ किया है। अगर आप घी को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर सॉल्ट को भी ऐड करना होगा। बटर को डालने के बाद आप देख सकते हैं बटर अभी यहाँ पर हल्का सा मेल्ट हो चुका है, तो अभी हम इसमें 1 कप सूजी को भी डाल देंगे। और गैस के फ्लेम को आपको यहाँ पर स्लो पर रखना है। सूजी को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर में बिल्कुल ही लम्स नहीं बननी चाहिए, इतनी अच्छी तरह से हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अगर इस मिक्सचर में लम्स बनेंगे तो आप चकली राउंड शेप में नहीं बना सकेंगे, तो इसीलिए लम्स ना हो इस तरह से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे आप देखेंगे सूजी पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगा। अगर इसमें लम्स बन जाए तो स्पून से आपको इस तरह से करते हुए इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अभी ये सूजी पूरी तरह से डो के फॉर्म में आ गया है, तो गैस के फ्लेम को अभी हम बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने उपमा बनाने वाली सूजी को लिया है जो थोड़ी सी मोटी होती है, और अब इस मिक्सचर को हम इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और अभी ये डो हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो अभी हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। इसमें रोस्टेड चना दाल पाउडर को भी डाल देंगे, ये 1/4 कप जितना मैंने लिया है। और इसके साथ डालेंगे 1 कप चावल का आटा। राइस फ्लोर है, राइस फ्लोर को घर पर बनाने की रेसिपी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब इसमें हम बाकी के सारे मसाले को भी डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सेसमी सीड्स, ये सफ़ेद तिल को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इन सबको अच्छी तरह से हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे। अभी इसे मिक्स करते वक्त हम इसमें पहले पानी नहीं डालेंगे, पहले तो हम इसे इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर सॉल्टेड बटर को यूज़ किया है। हम इस मिक्सचर को एक बार टेस्ट करके देख लेंगे, अगर नमक कम है तो अभी हम इसमें नमक को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नमक को भी अभी ऐड कर दिया है, और एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा डो बनाकर रेडी कर लेंगे। चकली के इस आटे में मैंने यहाँ पर हल्दी या फिर धनिया पाउडर को यूज़ नहीं किया है। अगर आप पसंद करते हैं तो उसे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये आटा बिल्कुल रेडी है, देखिए स्मूथ डो बनकर अभी यहाँ पर रेडी हो गया है। तो अभी हम इसे चकली बनाएंगे। चकली बनाने से पहले हमें इस तरह से चकली मेकर को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। और थोड़ा सा आटे को हम यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। और अभी हम इससे चकली बनाएंगे। इसी तरह से एक और बनाकर रेडी कर लेते हैं। चकली को बनाकर रेडी कर लिया है, अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे।
चकली फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अभी इस चकली को हम पलटा देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। दूसरी साइड से भी ये चकली अभी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो अभी हम इसे निकालेंगे। चकली के दूसरे बैच को भी मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए अभी डाल दिया है, इसे भी इसी तरह से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चकली को बनाकर रेडी कर लिया है। आप सब भी इंस्टेंट बनने वाली और टेस्टी बनने वाली इस चकली की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।